डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की दोस्ती का मालूम तो सबको होगा, लेकिन अभी जो हमने एक नया वीडियो देखा है जहां पे डेविड वार्नर उनको स्लेज करते हुए नजर आ रहे थे, वो बहुत ही हिलेरियस था, बहुत ज्यादा मजेदार था। और उससे पहले आपको बताएंगे डेविड वार्नर जो बीबीएल के लिए खेलने वाले थे और अभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए, ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए, तो वो एंट्री जो की है उन्होंने ग्राउंड पे वो की है हेलीकॉप्टर के जरिए। जी हाँ, हेलीकॉप्टर के जरिए एकदम दबंग एंट्री कह सकते हो आप उनकी हुई है। और उसके साथ साथ जब बात करें कि जब स्टीव स्मिथ बैटिंग करने आ रहे थे तो उनके साथ साथ चलते हुए, क्योंकि उनके पास माइक भी था डेविड वार्नर के पास, तो सुनाई दे रहा था कि वो क्या क्या बोल रहे हैं। और स्टीव स्मिथ को कहीं ना कहीं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को भंग करने की कोशिश थी, और उनका जो ओवरऑल कंसेंट्रेशन होता है बल्लेबाज का आने से पहले या बल्लेबाजी के टाइम पे, उसको तोड़ने की कोशिश थी। और कुछ कुछ बोले जा रहे थे उनको, अरे इसका तो कॉन्सेंट्रेशन खराब नहीं होता है, ये बहुत फोकस रहता है, ऐसे ऐसे करके। एंड जब वो गार्ड रहे तब भी उनको छेड़े जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि डेविड वार्नर स्टीव स्मिथ की जो दोस्ती है वो यहाँ भी देखने को मिल रही है। डेविड वार्नर सिडनी थंडर्स के लिए खेलते हैं और साथ में स्टीव स्मिथ जो है सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो मैच चल रहा था उसके अंदर ये बैंटर देखा गया दोनों के साथ। लेकिन स्टीव स्मिथ कुछ जवाब नहीं दे रहे थे उनको, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे, बस डेविड वार्नर उनको बार बार पोक किए जा रहे थे, बार बार बोले जा रहे थे कुछ 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 कुछ, ताकि कुछ तो जवाब मिले, उनकी कॉन्सेंट्रेशन खराब हो। और ऐसा लग रहा है कि ये जो डेविड वार्नर है वो पास भी हो गए थे इस चीज़ में, क्योंकि जो पहली गेंद स्टीव स्मिथ ने खेली वो पहली गेंद पर ही आउट हो गए, गोल्डन डक पे आउट हो गए। ऐसा लगा कि ये सब जो डेविड वार्नर ने किया था वो कामयाब हो गया, और स्टीव स्मिथ चुपचाप बेचारे चले गए वापस ड्रेसिंग रूम में। उन्होंने पुल शॉट एक खेलने की कोशिश की जो कि एक टॉपेज लगे थोड़ा सा बाहर डीप स्क्वायर लेग की तरफ कैच हो गई, और वो हो गए आउट पहली गेंद पर। डेविड वार्नर बड़े खुश थे कि शायद से उनका पोक करने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं बना नहीं पाए एंड स्टीव स्मिथ आउट हो गए। तो ये जो फनी बैंटर्स होती हैं, जो अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे आप एज अ स्पोर्ट्समैन आप मजाक करते हो, दोस्ती के तौर पे मजाक करते हो, वो बहुत देखने में अच्छा लगता है। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो भी अच्छी बनाता है आपस में, और दिखाता है कि भाई कितना अच्छा और कितना फन गेम है क्रिकेट। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप भी क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम भी यहाँ पे ऐसे ही फन करते हैं, यहाँ भी ऐसे ही बात करते रहते हैं, और आपके पास भी सामने ज्ञान लेकर आते रहते हैं क्रिकेट का। तो क्रिकेट ज्ञान सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।